सो गाइस अभी हमारे पास एक फोन आया हुआ है सैमसंग का और आप स्क्रीन पे देखेंगे तो इसमें पासवर्ड लॉक लगा हुआ है। तो इसका पासवर्ड हम अनलॉक करेंगे हार्ड रिसेट करके। तो सबसे पहले अपने फोन को कर लेते हैं स्विच ऑफ। ये सैमसंग का 2016 का मॉडल है, सैमसंग गैलेक्सी A5, और इसके अंदर अभी पासवर्ड लॉक लगा है। तो हम इसको कैसे हार्ड रिसेट करेंगे इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो चलिए अभी हम इसको प्रोसेस बताते हैं। तो आपको क्या करना है, वॉल्यूम अप बटन, पावर बटन और होम बटन तीनों को एक साथ दबा के रखना है। और तीनों एक साथ जब दबा के रखेंगे तो थोड़ी देर में ये फ़ोन वाइब्रेट होकर खुल जाएगा। और जैसे ही फ़ोन खुलता है आपको पावर बटन से हाथ हटा लेना है, लेकिन वॉल्यूम अप बटन और होम बटन को दबा के रखना है, तभी ये ऑप्शन आएगा। यहाँ पे वॉल्यूम डाउन बटन से नीचे चले जाना है और नीचे यहाँ पे वाइप डाटा फैक्ट्री रिसेट पे जाके पावर बटन क्लिक करके फिर नीचे आके एस पे क्लिक करके और आपको पावर बटन दबा के यहाँ पे वाइप डाटा कर लेना है। अब यहाँ रिबूट का सिस्टम का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सीधा एक बार और पावर बटन दबा देना है, आपका फ़ोन नॉर्मली ऑन हो जाएगा। अभी ये फ़ोन ऑन हो चुका है। अभी चूंकि सैमसंग का फ़ोन है तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाला है, क्योंकि सैमसंग का जो फ़ोन होता है वो जब वाइप डाटा होता है तो यहाँ पे लगभग मेरे हिसाब से 15 से 20 मिनट लग जाता है इसको खुलने में, किसी किसी में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। शायद ही कोई ऐसा फ़ोन है जो 10 मिनट के पहले खुलता है, नहीं तो सब 10 मिनट के पार ही जाते हैं। तो यहाँ पे हमने अपने वीडियो को बहुत ही ज़्यादा फास्ट कर दिया है ताकि आपका जो समय है वो कम लग सके। तो थोड़ी देर हम वेट कर लेते हैं फ़ोन के खुलने का, उसके बाद से अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जब तक आप वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो फ़ोन है वो खुल चुका है। नॉर्मली हमने बहुत देर वेट किया, वीडियो को फास्ट किया तो आपका तो समय कम लगा, लेकिन हमें बहुत देर तक इसको देखते रहना पड़ा क्योंकि ये टाइम बहुत ज़्यादा लिया। अभी आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इसमें FRP लॉक नहीं लगा है, इसलिए हमें सिर्फ यहाँ पे डाटा कनेक्ट करके और फटाफट अपने फ़ोन को ऑन कर लेना है। अगर इसमें FRP लॉक लगा होता तो फिर हमें इसका FRP बाईपास करना होता। तो अब FRP लगा ही नहीं है तो हम आपको उसका वीडियो बना के दिखा नहीं पा रहे, नहीं तो FRP बाईपास भी हो जाता है, लेकिन उसमें भी थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है। सेटिंग के अंदर जाके या फिर कंप्यूटर से आप इसको डायरेक्ट यूट्यूब को खोल के आप कर सकते हो। मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया है सैमसंग FRP तोड़ने का तरीका, तो आप जाके देख सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से भी आप देख लेना। सबका लगभग एक ही प्रोसेस होता है, थोड़ा बहुत चेंजिंग होता है तो आप उसको देख सकते हो, क्योंकि आप अगर डिस्क्रिप्शन में चेक करोगे तो आपको पूरा लगभग सैमसंग का जितना प्रोसेस है सब आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे नॉर्मली बस स्किप नेक्स्ट करके अपने फ़ोन को चालू कर लेना है, और फ़ोन जैसे ही चालू होता है मैं आपको आगे कंटिन्यू करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए नो थैंक्स करके यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है, और उसके बाद से थोड़ा सा बस प्रोसेस रह गया है, इसके बाद ये पूरा कंटिन्यू फ़ोन आपका चालू हो जाएगा। ये फ़ोन सैमसंग का A5 मॉडल है और 2016 का है। सैमसंग में एक्चुअली क्या है कि जितने भी सैमसंग फ़ोन है उसमें क्या है कि जो पुराने फ़ोन का मॉडल हो जाता है उसी नाम से फिर सैमसंग नया फ़ोन निकाल देता है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ज़्यादा रहता है इसके अंदर। ये सैमसंग का बहुत बेकार नियम लगता है। जैसे A5 का भी नया वाला अलग फ़ोन है, उससे लेटेस्ट एकदम अभी अभी कभी एक A5 निकल गया, यानी कि सैमसंग के A5 से 3 मॉडल निकला हुआ है, तो ये बड़ा ही कन्फ्यूज़न वाला चीज़ है। तो यहाँ पे ये 2016 मॉडल है, इसको 2019-18 का एक 2022 का मॉडल, 3-3 मॉडल सैमसंग का A5 का है, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, इसलिए मैंने 2016 का मॉडल बताया जो कि सबसे पुराना मॉडल है A5 का। तो सैमसंग गैलेक्सी A5 इसका मॉडल है। तो यहाँ पे हमारा हार्ड रिसेट का जो तरीका था वो इसका 2016 का मॉडल था, हो सकता है नए वाले फ़ोन का कुछ अलग मेथड हो।
तो यहाँ पे अब सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे, बस थोड़ा सा और प्रोसेस रह गया है, उसको भी हम अपना क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे आपको ये नीचे तीर का निशान दिख रहा है, इसको नेक्स्ट कर देना है। और नेक्स्ट करने के बाद से अब यहाँ पे आपका फ़ोन लगभग पूरा चालू हो चुका है। यहाँ पे स्किप कर लेना है, जो भी अपना ये दे रहा बैकअप वगैरह रखने के लिए उसको स्किप कर लेना है, बस फ़ोन चालू करके आपको कस्टमर को दे देना है। यहाँ पे एक ऑप्शन चेक मार्क करना है, यहाँ पे फिनिश कर देना है और फाइनली आपका जो फ़ोन है ये चालू हो चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कोई FRP वगैरह नहीं मंगा और नॉर्मली ये हार्ड रिसेट हो गया। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, अच्छा लगे तो लाइक करिए और इसी प्रकार की वीडियोस को आप देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमने UMT से भी बहुत सारा वीडियो बना रखा है कैसे अनलॉकिंग किया जाता है, बाकी ओप्पो वीवो का, तो चैनल विजिट कर सकते हैं आप।